इधर मुंबई में इंडक टावर के बोर्ड से बकाया भुगतान को लेकर चेतावनी दी है। अगर पेमेंट नहीं किया गया तो टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की सर्विस को बंद कर सकती है। सीएनबीसी टीवी 18 ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल टेलीकॉम कंपनी पर बकाया 7000 करोड़ की राशि को लेकर इंडक टावर बोर्ड ने चिंता व्यक्त की और वोडाफोन आइडिया से फौरन उसका भुगतान करने को कहा है। साथ ही कंपनी के आगे से रेगुलर पेमेंट करने के भी लिए हिदायत दी है। 7000 करोड़ की ये रकम लंबे समय से बकाया है, अब इसे जल्द से जल्द क्लियर करने को कहा है। वहीं वोडाफोन आइडिया पिछले कुछ महीनों से बकाए में 40-50% रकम चुका चुका है, लेकिन इंडक टावर के बोर्ड में उन्हें चेतावनी देते हुए कहा है कि 80-90% और नवंबर तक ओवरड्यू 100% तक भुगतान करें। अगर टेलीकॉम कंपनी ऐसा करने में असफल रहती है तो उनकी सेवाओं को बंद करने की भी चेतावनी दी है। अगर इंडक टावर वोडाफोन आइडिया की सर्विस बंद कर देता है तो इसका टेलीकॉम कंपनी के 25.5 करोड़ उपभोक्ताओं पर गहरा असर देखने को मिल सकता है। बता दें कि टेलीकॉम कंपनी वोडा आइडिया गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। वहीं वोडाफोन आइडिया के AGR बकाया का मामला फाइनल होने की बजाय और बढ़ रहा है। इकोनॉमी टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय ने वोडाफोन आइडिया के 16,130 करोड़ रुपए के AGR से संबंधित ब्याज बकाया राशि को सरकार एक्टिविटी में बदलने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। दूरसंचार विभाग को अब पहले घोषित पैकेज के मुताबिक लेन देन के अंतिम रूप देना है। यदि अगर इन कंपनियों को बंद कर दिया गया तो वोडा और आइडिया की जो उपभोक्ता है उनको काफी लंबी समस्या आ सकती है।